नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके का शॉर्ट ट्रिक लेकर फिर से आपके पास हाजिर हो चुके हैं। आज का हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा दर्रा के नाम यहाँ पर बताएंगे। तो उसको याद रखने के लिए एक जो हमारा ट्रिक है, नीति माना लिपु लेख। नीति माना, नीति कोई नाम है ऐसे समझ लीजिए, माना लिपु लेख, लिपु ने कोई लेख को लिखा, ठीक है, नीति ने माना, ठीक है, ऐसे समझिए कि यहाँ पर याद रखने के लिए नीति ने माना लिपु लेख, यानी कि नीतू ने माना कि लिपु क्या करेगा, एक लेख को लिखेगा। तो इसको ऐसी तरह से करके इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा मजा कितने आएंगे, उत्तराखंड में जो प्रमुख दर्रा है उसके यहाँ पर नाम आप समझ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या इसका जो है मीनिंग होते। तो सबसे पहले नीति, नीति का मतलब क्या होते, आइए यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीति यानी नीति दर्रा, इसका जो फुल फॉर्म होंगे दोस्तों नीति, ठीक है, याद रखिएगा नीति दर्रा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है माना, ये जो माना है इस माना से क्या आएगा, माना दर्रा, मा ना द रा, यही नाम है इसका। उसके बाद लिपु लेख, लिपु लेख से क्या होगा, नाम को देखिएगा यहाँ पर, लिपु लेख दरा, लिपु लेख दरा, क्लियर। ये तीन नाम जो है जो उत्तराखंड से होकर गुजरती है। दोस्तों एक चीज यहाँ पर बता दें कि जो कैलाश एवं मानसरोवर जाने का जो रास्ता है, ठीक है, जो कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता है वो नीति एवं माना दारों से होकर गुजरता है, ठीक है। नीति यह दोनों दर्रा को आपको पार करना होगा, उसी से होकर गुजरता है। अगर आप कैलाश से मानसरोवर जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं दोस्तों, अगर आप कैलाश, याद रखिएगा कैलाश से मानसरोवर, मानसरोवर तक अगर आप जाते हैं तो इन्हीं दोनों दर्रा को, नीति और माना दर्रा को आपको पार करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है अगर मंडी और लेह को सड़क मार्ग से बड़लाचा दर्रा को जोड़ता है, तो बड़लाचा दर्रा जो है हिमाचल जो प्रदेश में थे, आपको हम अभी बताए थे हिमाचल प्रदेश का दर्रा, ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जरूर से जरूर आप जाकर वहाँ पर देख ले। वो जो मंडी और लेह को सड़क मार्ग से है जो है बड़लाचा दर्रा को जो यहाँ पर जोड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो भी हम आपको बता रहे हैं टॉपिक्स, जो भी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसलिए इन सभी ट्रिकों को आप जरूर से जरूर याद रखिए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे इसको याद रखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को हिट करें और जुड़ जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ, कोई एक नए ट्रिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।